हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज रानीपुर झरेल का पार्ट टू देखेंगे। चौसठी जगनी मंदिर और लॉर्ड सोमेश्वर शिवा टेम्पल भी देखेंगे और इंद्रलाट टेम्पल भी जाएंगे घूमने। आप जो ये देख रहे हैं, ये चौसठी जगनी मंदिर है। ये 9th सेंचुरी और 10th सेंचुरी की में बनाया गया कहा जाता है। ये मेन एंट्रेंस है, ये आपको अंदर जाने के लिए। ये जो चौसठी योगिनी मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। ये पत्थर का एक चट्टान है, आप देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा भारी पत्थर का चट्टान है, छोटा पहाड़ है और उसमें बहुत खूब सारी छोटी छोटी मंदिर भी है। ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे मंदिर, और लेफ्ट साइड में ये एक पानी के कुंड है, तालाब है ये। ये पहाड़ के चट्टान में काफ़ी सारी छोटे छोटे मंदिर है। इस मंदिर में कोई भगवान की मूर्तियां नहीं है, खाली है, ऐसे मूर्तियां खाली है। ये मंदिर, छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे हैं। और शिवजी मंदिर जाने के टाइम में ये छोटा छोटा, ये जो देख रहे हैं आप, ये मंदिर खाली मंदिर है। ये इसमें कोई भगवान की मूर्ति या देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है। ये काफ़ी सारी छोटी छोटी मूर्ति, ये शिव मंदिर है, शिव जी के मंदिर है ये। यहाँ पे शिव जी पूजा पाते हैं। ये एक गुम्फा की तरह है, इसमें कुछ खाली है पूरा, कोई ये मतलब मूर्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खाली एक गुम्फे का तरह बना गया है। ये शिवजी के मंदिर जाने के टाइम में आपको राइट हैंड साइड में दिखाई जाएगा। ये मंदिर है क्या है ये मुझे मालूम नहीं, ये जो देख रहे हैं आप। ये शिवजी का मंदिर है, ये जो देख रहे हैं, ये शिवजी को पूजा जाता है यहाँ पे आपको। और उनके सामने ही माता जी का चंडी माँ की मंदिर है सामने। ये चंडी माँ की मंदिर है ये जो देख रहे हैं आप। ये ऊपर से आपको चौसठी जोगिनी आने के, शिव जी मंदिर आने के लिए जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये जय माँ चंडी मंदिर है ये। ये शिव जी का मंदिर दूर से देख रहे हैं आप। ये जो आप देख रहे हैं एक पानी से भरा हुआ एक तालाब है, और आप कह सकते हैं ये बहुत बड़ा सागर है। इसमें काफ़ी सारी पद्म का फूल का लगा हुआ है, पद्म फूल है। ये शिव जी का मंदिर के राइट हैंड साइड में है। ये आप जो देख रहे हैं ये शिव जी का मंदिर है, उसका ठीक राइट साइड में है। ये बहुत बड़ी तालाब है, और वहीं से शिव जी की थोड़े आगे जाने से आपको ये छोटे छोटे मंदिर भी दिखाई देगा आपको। इसमें कोई मतलब पूजा करने के लिए कोई मूर्ति नहीं है, भगवान का स्टेचू नहीं है अंदर में, ये खाली है ये मंदिर, छोटा छोटा मंदिर। ये साइड में, ये तालाब का साइड में, और ये और 3 ठो खाली ये टेम्पल है, ये भी छोटे छोटे टेम्पल तालाब के, मतलब ये जो तालाब के साइड में, सागर के साइड में हुआ बना गया है। काफ़ी सारी छोटे छोटे टेम्पल है। ये जो टेम्पल देख रहे हैं ये छोटा छोटा पहाड़ी के ऊपर में बनाया गया है। ये सब खाली है, इसमें कोई मतलब देवता या देवी का मूर्ति नहीं है, खाली है।
ये बहुत बड़ा पहाड़ी चट्टान है ये जो देख रहे हैं, इसके ऊपर में ये सब कुछ हुआ है मंदिर जो देख रहे हैं। पहाड़ की बहुत बड़ा पहाड़ की चट्टान है ये दूर से आपको छोटी छोटी जो भी मंदिर दिखाई दे रहा है वो दूर पे। आप जब छोटी नी युगनी मंदिर से आप जब इंद्रलाट टेम्पल जाएंगे देखने के लिए तभी आपको दूर से ये चौसठी योगिनी मंदिर आपको दिखाई देगा खूबसूरत। आपको ये रास्ते पे ये दूर से दिखाई देगा चौसठी योगिनी मंदिर आपको इंद्रलाट टेम्पल जाने के टाइम में ये दिखाई देगा। ये आ गया हम अभी इंद्रलाट टेम्पल। इंद्रलाट टेम्पल का ये खासियत है कि ये ईंटों से बनाया गया है, ये अंग्रेजी में ब्रेक कहते हैं, ब्रेक से बनाया गया है, ईंटों से बनाया गया है, खूबसूरत बनाया गया है ये टेम्पल, बहुत खूबसूरत टेम्पल है इंद्रलाट टेम्पल। ये देखने का चीज़ है हमारा पूर्वजों का काम कैसे बनाया गया था ईंटों से, ये देखने का एक बहुत अच्छा जगह है। ये इंद्रलाट टेम्पल का सामने का दरवाज़ा ये जो मंदिर के अंदर जाने के टाइम में ये ये इंद्रलाट टेम्पल का सामने का भाग है ये टेम्पल का, ये दरवाज़ा है देखे आप जो देखें ये दरवाज़ा है, ये मेन मंदिर का दरवाज़ा आप देख रहे हैं। मंदिर के अंदर कोई देवी या देवता है देखते हैं कोई है कि नहीं, चलते हैं देखते हैं अंदर, गेट के पास चलते हैं और देखते हैं अंदर में कोई भगवान का मूर्ति है या नहीं, कोई मूर्ति नहीं है। ये साइड में आपको ये पूरे ईंटों से बनाया गया है, देखिए ईंटों से बनाया गया है। दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से आपको नया नोटिफिकेशन आएगा और आप मेरे
नया नया वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स मेरा चैनल देखने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।